सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड द फिलअप्स ऑफ चैप्टर 10 इन साइंस क्लास 8। दैट चैप्टर नेम इज फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो गाइज ये हम करने वाले। तो गाइज अगर वीडियो में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो, टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो गाइज यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है डी पार्ट, गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो गाइज आज हम यही वन वर्ड वाला करने वाले हैं, फिर इसका फिलअप करेंगे, फिर अगले वीडियो में गाइज हम इसके लॉन्ग और ब्रीफ डिटेल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका आंसर है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मस्कुलर फोर्स है जो कॉन्टैक्ट में आता है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी लेके, हाँ एक्सरसाइज जो करते हैं, जिम विम जाते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं, तो उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स, और वो कांटेक्ट पे आते हैं। फिर है सेकंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देना है जो कांटेक्ट पे नहीं आता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी कॉन्टैक्ट में आता ही नहीं है, तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल गिरता है धरती पर, तो ये एक हो सकता है एग्ज़ाम्पल, हो सकता नहीं हो गया। फिर है मेंशन वन सिचुएशन इन लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए? मूविंग ऑन द ग्राउंड, हाँ सही है, क्योंकि घास होते ग्राउंड में और फिसलने का भी डर रहता है भागते समय, इसलिए यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो आगे है मेंशन वन और टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। ऐसी कौन सी दो चीज़ें जिससे हम ना इसको कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ऑयलिंग और ग्रीसिंग से। फिर है लास्ट क्वेश्चन, मेंशन टू मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ऐसे दो मेथड बचाओ जिससे हम बढ़ा सकते हैं फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे है इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस और इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। फिर गाइज यहाँ पे दिया गया है फिलअप्स, तो पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन में द फोर्स डैट अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड। आंसर है इसमें दिया गया है, दो ये बॉक्स दिए गए हैं, तो इसमें है यहाँ पे सेकेंड वाला फ्रिक्शन। फिर है सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन इन डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका है यहाँ पर लेसर। फिर है द डैश ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो यहाँ का है गाइज, यहाँ पर आएगा गाइज रेगुलेटरीज है इसका। फिर है फोर्थ, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है मोविल, जो हम ना डालते हैं हमारे, जिसे साफ हो जाते हैं गंदगी बाइक में, उसे कहते हैं लुब्रिकेंट, मोविल कहते हैं इसे, मोविल। डैश द फ्रिक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, इसका है डिक्रीज, क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है, हमने अभी पढ़ा ही था इसमें, इसमें पढ़ा था अभी हमने। फिर है आगे स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ ए कार डैश ड्यू ड्रैग ड्यू टू एयर, इसका रिड्यूस करता है। फिर है गाइज आगे हमारा सेकेंड पार्ट फिलअप का, इसका फर्स्ट है द फोर्स डैट रिक्वायर ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज टू एक्ट ऑन देम इज कॉल्ड ए डैश फोर्स। तो यहाँ पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है इसका एग्जैक्टली। फिर है वैन ए वेट लिफ्टर लिफ्ट ए वेट ही यूज डैश फोर्स, वो कौन सा फोर्स यूज करता है? इसका आंसर है मस्कुलर, क्योंकि मस्कुलर कर सकता है, इसमें दिया इलेक्ट्रोसिटी वो गलत है, यहाँ आएगा मस्कुलर। फिर उसके आगे है लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर, अगर लाइक पोल होते हैं दो मैग्नेट, वो क्या करते हैं ईच अदर, रिपेल करते हैं। फिर है अंत में डैश फोर्स इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन करता है, अगर हम कुछ भी बॉल उछालते हैं आसमान में फेंकते हैं वो नीचे फिर आता है ना, तो ये ड्यू टू मैग्नेट के होता है, मतलब ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल है इसका आंसर। तो अब है गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये क्या कहते हैं मस्कुलर की। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि ये है मस्कुलर की पिक्चर, आप देख सकते हैं इसमें कि बंदा मस्कुलर फोर्स लगा के इस वेट लिफ्टर को उठा रहा है। तो गाइज अब मैं आपको ग्रेविटेशनल की दिखाता हूँ पिक्चर। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को गिरने के लिए, तो आप देख सकते हैं एप्पल गिर रहा है।
तो गाइज यही है, यही था हमारे इस वीडियो में। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा तो गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइज़। एक सब्सक्राइब करने में कौन सा आपका पैसा जाएगा, तो गाइज़ प्लीज़ कर देना, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।